हाँ जी, एजुकेशन दा ज्ञान चैनल ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदे हाँ। अज दा जिहड़ा अपना विशा गा उह है सूफी कवितारां नाल संबंधित। इस तों पहलां अपनियां 4 वीडियो सूफी कवितारां नाल संबंधित हो चुकियां ने, जिहड़े कि सूफी कवि होए ने उहनां ने इक अनोखी ट्रिक दे राहीं आपां उहनां सारे सूफी कवियां नूं कीता गा। इस करके उन्हां वीडियो नूं भी प्लेलिस्ट दे विच जा के तुसीं देख सकदे हो। ते जिहड़ी अपनी अज दा टॉपिक है उह है मियां जान मुहम्मद, गुलाम जलानी रोहतकी, हाशम ते गुलाम फरीद, इन्हां नाल संबंधित 4 ट्रिक इस वीडियो दे विच वरतियां गईयां ने, जिन्हां दे राहीं तुसीं इन्हां कवियां सूफी कवियां बारे जिहड़े प्रश्न नेगे उह हल कर सकदे हो। चलो आपां शुरू करदे हाँ मियां जान मुहम्मद दे नाल संबंधित पहली ट्रिक, जो कि एक सूफी कवि होए ने पंजाबी साहित जगत दे विच। पहली अपनी ट्रिक हैगी अली अली दे घर जान मुहम्मद 17 तो 31 सेक्टर हो के शेखूपुर पुजे, हो के शेखूपुर पुजे। अली अली कौन सी? यदा पूरा नाम सी मियाँ अनवर अली। जे अली पेपर दे विच किसे ऑप्शन दे विच आ जाता गा तां ओहो जान मुहम्मद जिहड़ा सूफी कवि होया गा उन्हां दे पिता जी सन। ते 17 तो 31 सैक्टर भाव के 1731 दे विच इहदा जन्म होया सी। इत्थे होया सी होइके पिंड दे विच, जो कि शेखूपुरा जिला गा पाकिस्तान दे विच। ठीक है भी, अली कौन सी? जान मुहम्मद दे पिता सी जिहड़ा कि एक सूफी कवि होया है 17 तो 31 सेक्टर भाव के 1731 दे विच। इहदा जन्म होया किथे होया? होइके दे विच, ते जिहड़ा कि शेखूपुर दे विच पैंदा गा। अगली जिहड़ी अपनी इहदे नाल ही संबंधित ट्रिक आ उह है रफ़ी काफ़ी ने 12 महीने दौड़े गए। रफ़ी ते काफ़ी दो लड़कियां ने जिन्हां ने कि 12 महीने दौड़े गए, भाव के रफ़ी, रफ़ी तो भाव की हो गया शी हरफी। ठीक है, काफ़ी काफ़ियाँ 12 महीने भाव के 12 माह ते दौड़े दौड़े, ये उहदियां जिहड़ियां 4 रचनावां सी जो कि पंजाबी दे विच सन। केड़ियां केड़ियां? शी हरफियाँ, काफ़ियाँ, 12 महीने तो भाव 12 माह ते दौड़े, ये जान मुहम्मद दियाँ रचनावां सन जो कि पंजाबी दे विच सन। हाँ जी, अगली जिहड़ी अपनी ट्रिक है उह है गुलाम जलानी रोहतकी, जिहड़ा सूफी कवि होया गा उहदे नाल संबंधित। चलो आपां करदे हाँ अगली ट्रिक। रोहतकी 1749 विच नदीन दे घरों किश्ती राहीं नानके पिंड गया। रोहतकी रोहतकी कौन सी? पूरा नाम सी इहदा गुलाम जलानी रोहतकी। रोहतकी तो भाव के यह सूफी कवि होया गा, पूरा नाम गुलाम जलानी रोहतकी। 1749 विच इहदा जन्म होया सी। किहदे घर होया सी? नदीन, भाव के वोहरा दीन, वोहरा नदीन दे घर। ठीक है, किश्ती तो भाव के यह चिश्ती सिलसिले दे नाल संबंधित सी। ते नानके पिंड गया, नानके पिंड तो भाव की आ कि इहदी माता दी मौत हो गई सी, ते इहदा पालन पोषण किहने कीता सी? नानकिया ने कीता सी। ठीक है भी, ये सी रोहतकी गुलाम जलानी रोहतकी दे नाल संबंधित ट्रिक। हाँ जी, अगे आपां करदे हाँ हाशम नाल संबंधित कुछ प्रश्न, ते फिर उस दी करांगे अनोखी ट्रिक। हाँ जी, केड़ा सूफी कवि आ जिहड़ा कि किस्साकार भी होया गा उह है हाशम। केड़ा किस्सा प्रसिद्ध सी इहदा? हाशम दा सस्सी पुन्नू। ज़्यादातर प्रसिद्धि इहनूं किस्सा लिखण दे करके होई सी, पर इह इक सूफी कवि भी आ क्योंकि इहने दोहड़े ते डेउढ़ां लिखियां ने। हाशम किस राजे दे समें नाल संबंधित होया है? किस राजे दे समें दे नाल? महाराजा रणजीत सिंह दे समें दे नाल संबंधित है। जन्म किथे होया सी? 1752 ईस्वी दे विच, पिंड जगदेऊ कला, जिला अमृतसर। ये सूफी कवि है जिहड़ा वही अपने अमृतसर दे नाल संबंधित आ, पूर्वी पंजाब दे नाल संबंधित आ।
पिता का नाम की सी? हाजी मुहम्मद शरीफ। इहदियां रचनावां किहड़ियां सन जिहड़े कि सूफी कावधारा नाल संबंधित ने? ओह सी 208 दोहड़े ते ड्योढ़ां। ड्योढ़ां तों भाव डेढ़ सत्रां की रचना हुंदी सी, एक पूरी सत्र हुंदी सी, एक अद्धी सत्र हुंदी सी। हाशम के दौड़िया एक होर नाम किहड़ा दिता जाता है? किहड़ा दिता जाता गा? दरियाई हकीकत। दरियाई हकीकत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, इनू याद रखना। हाशम किहड़े सूफी सिलसिले नाल संबंधित है? नौ शाही सिलसिले दे नाल। एक अलग ही सिलसिला आउंदा गा, क्योंकि वाकई जिहड़े सूफी कवि होए आ, कोई कादरी कोई चिश्ती, ठीक है, उन्हां नाल संबंधित सी, पर यह नौ शाही सिलसिले दे नाल संबंधित सी। शैली की सी इहदी रचना निकलदी? सादगी सी, संजमता सी, स्पष्टता सी। इन्हां गुणां दे कारण उहदी की आ प्रसिद्धि होई सी पंजाबी साहित जगत दे विच। ते बोली कीहड़ी सीगी हाशम दी? ठेठ पंजाबी। हाँ जी, हुण आपां इहदे नाल संबंधित करदे हाँ एक अनोखी ट्रिक, जिस दे राहीं तुहाडे सारे जिहड़े प्रश्न ने उह हल हो जाणगे। हाँ जी, हाशम हाजी दे घर जगदियों विखे 17 सैक्टर विच 55 मिंटां विच पहुँच गया। हाशम शाह सूफी कवि आ। हाजी दे घर भाव कि इहदा जन्म किथे होया सी? हाजी मुहम्मद शरीफ दे घर। पूरा नाम इहदे पिता दा नाम हाजी मुहम्मद शरीफ, पर जे हाजी लिखिया आउंदा गा तां तुसीं समझ जाणा गा भी इह हाशम दे पिता दे घर जगदेऊं कला दे विच इहदा जन्म होया सी। किस जिले दे विच पैंदा? अमृतसर दे विच। 17 सैक्टर विच, 17 सैक्टर तों भाव 17 ते 52 मिंटां विच तों भाव 52, तां 1752 दे विच इहदा जन्म अमृतसर दे विच जगदेऊं कला पिंड दे विच होया सी। हकीकत 208 दोहे ड्यूटी विच बैठ के हकीकत ने 208 दोहे ड्यूटी विच बैठ के 9 बार शाही नाल संजमता नाल लिखे, ठीक है। स्याही नहीं आपां पाया, इहनूं शाही लिखता, नीली शाही, काली शाही। हकीकत उहदी रचना सी, जिहड़े उहदे दोहड़े सी उहनूं नाम दित्ता गया सी दरियाई हकीकत। हकीकत तों याद रखना, ठीक है। ये हाशम दी रचना, 208 की सी उहदे दोहड़े सी, हकीकत दरियाई हकीकत नाम दिता गया सी। दोहे तो भाव दोहड़े, ड्योढ़ी तो भाव उहने ड्योढ़ा रचियां सी, ते नौ बार तो भाव के नौ दा नौ, ते नौ बार शाही, शाही तो भाव शाही, नौशाही यही सिलसिले दे नाल संबंधित सी, ठीक है। भी नौशाही सिलसिले दे नाल संजमता इहदी बोली सी, ठीक है। ड्योढ़ी तो भाव ड्योढ़ां लिखियां सी इहने, जिहड़ियां कि एक पूरी सत्र हुंदी सी, इक अद्धी सत्र। ते 208 दोहे तो भाव दोहड़े लिखे सी, ते उहनां नूं नाम दित्ता गया सी हकीकत, दरियाई हकीकत। हाँ जी, अगे आपां करदे हाँ गुलाम फरीद नाल संबंधित। हाँ जी, गुलाम फरीद नाल संबंधित प्रश्न, पंजाबी दे प्रमुख सूफी कवियां विचों आखरी कवि किहड़ा होया जो कि प्रसिद्ध होया सी? ओह सी गुलाम फरीद। सूफी कवि तो होर भी होए सन, पर यह प्रसिद्ध सीगा। जन्म होया सी 1843 पिंड चाचड़ शरीफ, जिला रहीम जार खां, बहावलपुर पाकिस्तान दे विच। पिता का नाम की सी? ख्वाजा खुदा बख्श। मुरशद कौन सी? फकर उद दीन ये गुरु सन, ते 28 ये भरा सन, 4 माता 8 पिता, ठीक है। रचनावां की सी? 272 इहदियां काफ़ियां सन, ते 175 दोहड़े सन, ते गज़लां सन। ज़्यादातर ये काफ़ियां दे कारण प्रसिद्ध होया गा। 272 काफ़ियां सब तो वध पंजाबी साहित जगत दे विच गुलाम फरीद ने दित्तियां ने। जे पूछा जाता क्वेश्चन भी की ने वध सब तो वध काफ़ियां लिखियां ने, तो गुलाम फरीद ने। विशा की सी? इशक विरहा। ते भाषा की सी? मुल्तानी भाषा दा सिखर सी।
अब्दुल गुफार कुरैशी ने ख्वाजा गुलाम फरीद नूं काफ़ी दा बादशाह कहा। इन्हें कहा सी अब्दुल गफूर कुरैशी, इन्हें कहा सी ख्वाजा गुलाम फरीद नूं काफ़ी दा बादशाह। गुलाम फरीद दियां काफ़ियां केड़ियां पुस्तकां विच संग्रहित ने? असरारे फरीदी ते दीवान ए फरीदी, ते इह किहड़े सिलसिले नाल संबंधित सी? चिश्ती सिलसिले दे नाल। ते अलंकार किहड़ा वरतदा? अनुप्रास। इह सी गुलाम फरीद नाल संबंधित कुछ क प्रश्न। ते हुण आपां करदे हाँ गुलाम फरीद नाल संबंधित आखिरी ट्रिक। हाँ जी, गुलाम फरीद चाचा दे घर खुदा नूं मिलण 1843 फकर दीन नाल बहावलपुर गया। गुलाम फरीद जिहड़ा कि सूफी कवि होया गा, आखिरी सूफी कवि है, प्रसिद्ध सूफी कवि है, ते इहदियां काफ़ियां ने जिहड़ियां 272 सब तों वध ने काफ़ियां लिखियां ने। चाचा तों भाव चाचड़ा, चाचड़ा पिंड दे विच इहदा जन्म होया सी। खुदा कौन सी? खुदा, खुदा बख्श, खुदा दे नाम नाल जिहदे नाम 'च खुदा आ गया तां खुदा बख्श इहदे पिता दा नाम सी। 1843 दे विच इहदा जन्म होया सी। ठीक है, किहड़े ज़िले दे विच? बहावलपुर ज़िले दे विच। फकर दीन भाव के फकर दीन कौन सी? इहदे गुरु सी, फकर उद दीन पूरा नाम सी। हाँ, इस तों भी तुहानूं याद रहि सकदा गा। अगे आ असरार ते दीवान फरीद कोल काफ़ियां पढ़न गए। असरार ते दीवान, असरार ए फरीदी ते दीवान ए फरीदी। ठीक है, इहदियां की सी? इह पुस्तकां सन। काफ़ियां पढ़न गए ते काफ़ियां इहदियां सब तों ज़्यादा प्रसिद्ध सन, 272 काफ़ियां। ठीक है भी, ते असरार ते दीवान, असरार ए फरीदी ते दीवान ए फरीदी इहदियां पुस्तकां सन। इन्हां तों भी तुहानूं इह नाम उन्हां दे किताबां दे याद रहि सकदे ने। हाँ जी, जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी तां इहनूं शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना ते बैल आइकन नूं दबा लेना तां जो आने वाले वीडियो दे नोटिफिकेशन समय सिर मिलते रहन। ते इस तों बिना इस चैनल ते पंजाबी UGC नैट, मास्टर केडर UGC दी तैयारी करवाई जाती है। इस करके इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना। धन्यवाद।